अभी चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में कुछ दिन बाकी हैं। उससे पहले ही उसने फिर से भेज दी चांद की भयानक फोटो। पिछली बार की तुलना में इस बार की फोटो बहुत ही ज्यादा भयानक है। यहाँ तक कि इसने एक मैसेज भी भेजा है जिसमें सीक्रेट कोड में बात कही गई है। ये तो आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसके लैंडर से अलग हो गया है। लैंडर अब लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ गया है, लेकिन चंद्रयान 3 के अंदर लगे एडवांस कैमरास ने चांद की ऐसी फोटो कैप्चर कर ली जिस पर वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं हो रहा है। चांद की फोटो ने जितना वैज्ञानिकों को हैरान नहीं किया, उससे ज्यादा हैरान उसके एक मैसेज ने कर दिया। यहाँ तक कि नासा को भी यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान 3 ने कौन सी फोटोज भेजी हैं? ये देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि आज चंद्रयान 3 की क्या स्थिति है। दोस्तों, चंद्रयान 3 जब से चांद की तरफ निकला है तब से लेकर अब तक लगातार चांद के बारे में रहस्यमयी खुलासे करता जा रहा है। 17 अगस्त के दिन दोपहर 1:15 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल वाला भाग विक्रम लैंडर से अलग हो गया था। उस समय विक्रम लैंडर ने एक हैरान कर देने वाला मैसेज वैज्ञानिकों के पास भेजा। लैंडर के अलग होने के बाद इसरो ने ट्वीट कर लैंडर की ओर से प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक यू बोला है। इतनी यात्रा में मेरा साथ दिया, उनका शुक्रिया। ये जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने फिर से भेजे पहले से ज्यादा भयानक फोटो और चांद का वीडियो। दोस्तों, इस समय चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों अलग हो गए हैं और अब ये लैंडर लैंडिंग करने के लिए अपने सफर पर आगे बढ़ रहा है। वैसे वैसे चांद का रहस्यमय खुलासा कर रहा है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने चांद की ऐसी भयानक फोटो के साथ वीडियो को भेजा है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी अचंभे में पड़ गए हैं। इन फोटोज के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, 14 जुलाई के बाद चंद्रयान 3 ने कई मुश्किल पड़ावों को पार किया है, लेकिन उससे ज्यादा आगे का सफर इसके लिए मुश्किल है। लैंडिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैज्ञानिकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी, यानी अभी ये बहुत तेजी से चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसकी स्पीड को धीरे धीरे वैज्ञानिक कम करेंगे। 18 तारीख को ये चांद से 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन डी बूस्टिंग के जरिए धीरे धीरे ये चांद से जब 30 किलोमीटर दूरी पर आ जाएगा, उस समय वैज्ञानिक इसके लैंड करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसके बाद इसका AI सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके लिए जगह बताएगा कि कौन सी जगह चांद पर लैंड करना है। इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगे सेंसर्स और कैमरों के माध्यम से जानकारी लेता रहेगा और उसी जानकारी के माध्यम से वो तय करेगा कि उसे लैंडिंग कहां पर करनी है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर लगा AI सिस्टम इसके लिए इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। यदि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किसी असुरक्षित जगह यानी किसी गड्ढे या फिर ज्यादा ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंडिंग करने वाला होगा तो उसमें लगा ये सिस्टम उसे उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर सुरक्षित लैंडिंग करवाएगा। अब आपको बताते हैं इसने जो ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं, इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है जिसके अंदर चांद की हैरान कर देने वाली वीडियोस नजर आ रही हैं। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्टिव कैमरा द्वारा 17 अगस्त के दिन दोपहर 1 बजे कैप्चर किया गया है। इस वीडियो के अंदर चांद की वो जगह नजर आ रही है जिसे वैज्ञानिक कई सालों से देखना चाह रहे थे। यहाँ पर चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह को साफ तौर पर देखा जा सकता है और चांद की धरती पर मौजूद गड्ढे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। पिछली तस्वीर की तुलना में इस तस्वीर में साफ तौर पर चांद की सतह को देखा जा सकता है। दोस्तों, रूस 2 दिन के बाद ही चांद पर उतरने का दावा कर रहा है, यानी रूस के वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया था कि 21 अगस्त को लूना 25 चांद पर उतरने का अनुमान है। अगर रूस 2 दिन ही लेट हो जाता तो भारत चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाता, लेकिन रूस ने हड़बड़ी में भारत के इस सपने को तोड़ने की कोशिश की है। अगर रूस का लूना 5 सही सलामत रहा तो वो चांद पर 22 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग
ट्रेनिंग कर जाएगा। लेकिन यदि लूना 25 के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हमारा चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन चांद पर जाने के रास्ते में ये आखिरी पड़ाव बहुत मुश्किल माना जाता है। आपको पता होगा कि इसी फेज के अंदर हमारे चंद्रयान 2 के साथ घटना घटित हो गई थी और पूरे भारत को निराशा झेलनी पड़ी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चांद की दुनिया इतनी खतरनाक क्यों है? आखिर चांद पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मिशन वहां पर जा नहीं पा रहे? इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं। दोस्तों, हमसे 384,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। धरती से देखने पर ये भले ही हमें गोल नजर आता हो, लेकिन हकीकत में ये भी पृथ्वी की तरह थोड़ा अंडाकार है। चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चांद के पास ना के बराबर वातावरण है। चांद का वातावरण ऊपरी तौर पर हीलियम, आर्गन, सोडियम और पोटेशियम से बना है। चांद पर पानी भी मौजूद है, जिसकी खोज साल 2009 में हमारे चंद्रयान 1 ने सबसे पहले की थी। लेकिन ये पानी पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं, बल्कि चांद पर या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। वो भी बिल्कुल समतल जगह पर नहीं है, बल्कि कहीं खड्डों में बर्फ के रूप में जमा है। आपको शायद इस बात पर यकीन न हो, लेकिन चंद्रमा हमारी नींद पर भी खास असर डालता है, और ये बात एक रिसर्च में साबित हो चुकी है। दरअसल आज से 10 साल पहले स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में ये खोज की गई थी कि अमावस की रात में लोग ज्यादा गहरी नींद सोते हैं, जबकि पूर्णिमा की रात उन्हें नींद इतनी अच्छी नहीं आ पाती। अब इसकी वजह क्या है, ये सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपने बहुत बार सुना होगा कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बड़े और गहरे गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हैं, और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को यहीं पर उतरना है। साथ ही इस इलाके में गड्ढे भी सबसे ज्यादा हैं। ये परेशानी भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी है, और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता लगाना है कि कहां पर गड्ढे ज्यादा हैं, और उन भयानक गड्ढों से चंद्रयान 3 के लैंडर को बचाना है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक ऐसा गड्ढा भी मौजूद है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है, जिसका व्यास 1,000 किलोमीटर से ज्यादा और गहराई 8 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव को सिर्फ ये गड्ढे ही इतना खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि बेहद ठंडा तापमान भी इस जगह के भयानक होने की एक बड़ी वजह है। असल में इस इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ती, जिसके चलते यहाँ कुछ हिस्सों का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में कोई नहीं जानता कि यहाँ कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे बेशुमार पानी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये पता चले कि दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे सोडियम, मरकरी, मीथेन और अमोनिया का खजाना यही है। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के इस खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और अमेरिका तो आज से करीब 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, पर उन्होंने चांद के इस इलाके में खोजने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? असल में दोस्तों, इस विषय पर दुनिया भर में कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें कुछ थ्योरीज को खुद नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ही जन्म दिया है। 1969 और 1972 के बीच अपने अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने कुल 12 अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा था, और उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स चांद की अंधेरी दुनिया के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा कर चुके हैं। कुछ ने तो चांद पर एलियंस के मौजूद होने की बात भी कही थी, और लोग कहते हैं कि नासा ने 1972 के बाद अब तक
इसीलिए कोई मून मिशन नहीं भेजा क्योंकि उसको चांद की दुनिया के ये गहरे राज पता चल गए थे। हालांकि नासा की तरफ से इसकी वजह दी गई कि चांद पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खोज की जाए, इसलिए अब इस मिशन पर और ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपको चांद पर जाना है तो क्या आप चांद पर जाना चाहेंगे? बाकी जितने भी दावे हैं उन दावों को चंद्रयान 3 क्लियर करने वाला है। जब दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीर आएगी तो अमेरिका भी इसरो का लोहा मान लेगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही।